इंदौर में 150 फीट गहरे कुएं में गिरे मजदूर, पुलिस और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला। एक की मौत, कुआं खुदाई के दौरान हुआ हादसा। खुड़ैल थाना इलाके के करीब केवडेश्वर महादेव मंदिर के पास हुआ हादसा। फार्म हाउस में चल रही थी कुएं की खुदाई, इसी दौरान हुआ बड़ा हादसा। एक ठेकेदार और 2 मजदूर गहराई में गिरे। पुलिस की सूझबूझ से 2 लोगों की जान बची, रस्सी बांधकर सुरक्षित बाहर निकाला। एक मजदूर की कुएं में मौत हुई। खुड़ैल थाना क्षेत्र का मामला है, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़वानी में ट्रैक्टर शोरूम पर ट्रैक्टर लेन देन को लेकर विवाद हुआ। धर्मेंद्र नामक युवक ने ट्रैक्टर शोरूम संचालक पर मारपीट का आरोप लगाया। संचालक ने कहा खुद ही युवक ने शोरूम पर लगे कांच पर सिर मारा। सिर फूटने पर युवक कोतवाली पहुंचा। दोनों पक्षों की FIR हुई थाने में। पानवाड़ी निवासी धर्मेंद्र गोले ने बताया कि उसके द्वारा स्वराज ट्रैक्टर शोरूम से 3 साल पहले ट्रैक्टर लिया गया था। वहीं शोरूम संचालक द्वारा उसका ट्रैक्टर लेन देन के चलते वापस ले लिया गया था। वहीं आज जब अपना ट्रैक्टर लेने पहुंचा तो उसके साथ शोरूम संचालक ने मारपीट की, जिससे उसके सर पर चोट आई है। वहीं शोरूम संचालक इरफान शेख ने बताया कि धर्मेंद्र गोले ने शोरूम पर आकर बहसबाजी कर अपना सर कांच पर मारा, खुद को लहूलुहान कर दिया। कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों की FIR दर्ज कर मामला जांच में लिया है। 16 शोरूम पे मैं गया, मेरा ट्रैक्टर थे 20-90, मैं ट्रैक्टर के लिए गया था। मेरा ट्रैक्टर कहाँ पर है तो इरफान जो खान है, जो सोराज शोरूम का मालिक है, इन्होंने मेरा ट्रैक्टर बेच खाया। बोलते कि मैंने तेरा ट्रैक्टर बेच खाया। वो अपने यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस वाला जो सेलर है, बोले हम दोनों मिलकर तेरा ट्रैक्टर बेच खाए। हम बोला ट्रैक्टर हम तेरा देंगे भी नहीं हम। और मेरा मोबाइल भी था, मेरा मोबाइल और 5,000 मेरे जेब में थे। वो मेरा मोबाइल और पैसे भी मेरे छीन लिए इन्होंने। और 8 लोग अलग बुलाए थे और मेरे को रात से मारा इरफान ने। जी हाँ, किस संबंध में? ये हमारा धर्मेंद्र गोले से एक पुराना ट्रैक्टर का लेन देन का मीटर था। पुराना ट्रैक्टर उनको दिया था और उन्होंने बोला था कि हम फाइनेंस 3 साल पहले की बात है, फाइनेंस करा के बाकी का पैसे दे देंगे। उनसे 1.5 लाख रुपये लेना था हमें, तो इन्होंने फाइनेंस करवा लिया अपने नाम से और पेमेंट हमें जमा नहीं कराया, तो हमने ट्रैक्टर खड़ा करवा लिया। तो ये बात 3 साल पहले की है और ये अभी आके शोरूम पे शराब पी के आए और यानी कि केबिन की तोड़ा फोड़ी करी, कांच फोड़ दिया, काउंटर का कांच फोड़ दिया, सीट ठोक ठोक के।